कमेंट वगैरह लड़के करते हैं स्कूल के बाहर छुट्टी के बाद? बता दे तो एक दिन यह भी आ जाएगा। आप तो फिर भी ठीक है, जब बॉर्डर एरिया देखोगे आप पंजाब का लगता हुआ, वहां पे युवा बिल्कुल खत्म हो गए। जहां पे हम बचपन में शमशान घाटों में जाने से डरते थे, आज शमशान घाटों में नशा बिकता है। शमशान घाटों के अंदर वहां पे नशेड़ी सारी सारे रात सोते हैं। हम कितना डरते थे पहले, बच्चे होते थे। लेकिन आज के हालात, युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, मैं सोच सोच के परेशान हूँ। और कुछ लोगों का तो काम ही है कि सुबह बाइक उठाएंगे, शाम तक उनका एक ही काम है, इस स्कूल की छुट्टी हुई यहाँ पे खड़े हो गए, कॉलेज की छुट्टी हुई कॉलेज के आगे खड़े हो गए, ऐसा होता है ना। लेकिन इन मंचनों की कल के बाद खैर नहीं। कहा है मैडम जी, वो हमारी जब आपकी स्कूल से छुट्टी होती है, क्या सच बताना नहीं आएगी तो कल से शुरू हो जाए, आज से शुरू हो जाए? दुर्गा छुट्टी गाड़ी नहीं देखी? दुर्गा ऐप किस किसने डाउनलोड की है? कोई समझाने वाला नहीं आया? तो फिर क्या है स्कूल में? बिल्डिंग अच्छी है, लाइट भी नहीं है सर, लाइट के रोशनी भी कम है और लाइट भी नहीं है। तो वो हमारी ये डबल शिफ्ट है सर। अच्छा, तो क्या है, कमी है? ट्यूबलाइट नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट अच्छी है, टॉयलेट अच्छी है, बहुत पूरी कंडीशन है। तो ग्राउंड है खेलने का? हाँ सर, खेलेगा ग्राउंड। तो बिल्डिंग आप देखिए क्या कमी है सर? और तो अच्छा है, टीचर स्टाफ बहुत अच्छा है, टीचर तो होते ही अच्छे हैं, बाकी भी कमी है। टॉयलेट की और लाइट वगैरह की कमी है। एक मिनट, वेट वेट मिनट, क्या नाम है? क्या नाम है? पूजा। पूजा, क्या समस्या है? हमें डबल फाटक की साइड हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े रहते हैं और बहुत सारे वो करते हैं कमेंट, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सुबह आने में और जाने में। कहीं पुलिस नजर आती है? दुर्गा शक्ति? नहीं, कोई भी नहीं होता वहाँ पे। दुर्गा शक्ति एक अलग से शुरू की, वो दिखाई दी कहीं? नहीं नहीं, स्कूल के बाहर कभी मिली? हाँ, स्कूल के बाहर तो कभी कभी रहती है, हम छुट्टी होती है जिस टाइम पे, कभी कभार रहती है, रेगुलर नहीं होती। और क्या समस्या है? शिकायत और कुछ नहीं है बस, और खिड़कियाँ और क्या नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है घर आने जाने में इस तरह रास्ते में? हाँ, सुबह छुट्टी की साइड ज्यादा होती है, पुलिस ध्यान नहीं देती? नहीं, वहाँ कोई नहीं होता उस टाइम पे। कभी ये स्कूल में शौचालय की हालत क्या है? स्टाफ के सामने रखी? नो सर, रखनी चाहिए। कब से है ये प्रॉब्लम तुम्हारे? जब से मैं स्कूल में आई तब से ये प्रॉब्लम चल रही है। और क्या प्रॉब्लम है इसके अलावा? वो ये टॉयलेट वगैरह की प्रॉब्लम है, खिड़की नहीं है, लाइट भी नहीं है क्लासरूम में, जिससे बच्चे क्या के कमजोर भी हो सकते हैं। टॉयलेट है नहीं या साफ है, नहीं है? बस साफ नहीं है, साफ नहीं है यहाँ के, वो बहुत ज्यादा। और आप जाके देख सकते हैं अगर आपके विश्वास। टीचर से कहा आपने? टीचर से कहा था, पर टीचर भी अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं हो रहा अभी। ठीक, बाहर दुर्गा शक्ति मिलती है? नहीं, ये तो मुझे कभी देखी देखी नहीं दुर्गा शक्ति कभी। कौन सी क्लास में? क्या प्रॉब्लम है स्कूल में सर? पानी में कीड़े निकलते हैं बहुत ज्यादा। और क्या इसके अलावा प्रॉब्लम है सर? खिड़की भी नहीं है, खिड़कियां नहीं है रूम में, लाइट? और लाइट? लाइट भी नहीं है। लाइट, टॉयलेट कैसे हैं सर? टॉयलेट गंदे। बाहर जब आपकी छुट्टियां होती है, आप सुबह स्कूल आते हैं, तो बाहर मजदूरों की बाइक घूमती है? नहीं, ये सब काम सर हमें, सर हमें तो अभी तक कुछ खा नहीं है। पुलिस की दुर्गा मिली कभी सर? हमने तो नहीं देखा था। बड़ी होती है ना रास्ते में, कहीं उन्हें मिलती है, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? ये बड़ी विडंबना की बात है कि उन्होंने दुर्गा शक्ति के बारे में बताया कि दुर्गा शक्ति आती ही नहीं है। तो अभी मेरे अभी SHO सिटी साहब को बुलाया और दूसरे ट्रैफिक मैडम थे, लेकिन उनको बताया कि मुझे एक हफ्ते के अंदर ये गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म चाहिए, चाहे उनके चलान काटो जो भी मर्जी करो, लेकिन पूरे रेवाड़ी में मंचलों का कहीं भी नजर नहीं आनी चाहिए जो लड़कियों को छेड़छाड़ कर। यह सबसे प्रॉब्लम ज्यादा लड़कियों के साथ जो बाहर मन चले प्रॉब्लम है और पूरी रेवाड़ी में प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये गुंडागर्दी मंचलों का जो जमावड़ा है ये खत्म कर दिया जाएगा। और जहाँ पे मैं भी गया हूँ, मैं पूरे हरियाणा की विजिट कर रहा हूँ, खासकर सुरक्षा को लेकर लड़कियों की, और जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पे लगभग 90% तक छेड़खानी बंद हो गई। और मान लो यहाँ जर्जर बिल्डिंग के बारे में उन्होंने बताया, मान लो सफाई व्यवस्था के बारे में बताया, टॉयलेट के बारे में बताया, तो बड़ा अजीब सा लगा। और मान लो पानी के बारे में, पानी में कीड़े तक आते हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ। मेरे को एक विक्टोरिया मैडम है, वो 10वीं 10th D के बच्चों को पढ़ाती है, वो मार मार के एक लड़की का बल्कि हाथ पे भी काफ़ी चोटें आई हैं, उसको देखा तो बड़ा बुरा लगा। वो मैडम नहीं थी आज, लेकिन मैं जाके शिक्षा मंत्री जी के संदर्भ में डाल दूँ।